लॉकडाउन का फिलहाल पांचवा चरण जारी है, तो वहीं अब सरकार के द्वारा राजधानी के परकोटे में भी कुछ छूट दी गई। बफर जोन में बाजार अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, साथ ही लोग सामान भी खरीदने नजर आने लगे हैं, जिसके बाद परकोटा बाजार में व्यापार भी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। तो वहीं बाजारों में पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस की पालना करवा रही है, तो वहीं कई जगह अभी भी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की कई कमियां नजर आ रही है। इस दौरान जयपुर शहर परकोटे के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। के पांचवें चरण का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बात की जाए तो परकोटे में जो छूट दी गई है, इसके बाद यहां पर यातायात दबाव भी बढ़ा है। अब दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी है, लोग भी पहुंचने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम बड़ी चौपड़ पर खड़े हैं, तो कैमरामैन को कहना चाहूंगा दिखाएं, ये बड़ी चौपड़ चौराहा है जहाँ पर यहाँ से ये सड़क है आपको जो दिखाई दे रही है, ये जौहरी बाजार की तरफ जाती है। जौहरी बाजार जो कि जवाहरात का व्यापार, यहाँ पर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, यहाँ पर जो खोलने के बाद लोग पहुँचे, आप देख सकते हैं दुकानें भी खुल गई है, कुछ दुकानें अभी भी बंद है। हालांकि कोरोना का कहीं कहीं जो डर है उसको देखते देख सकते हैं आप, कुछ दुकानें यहाँ पर बंद दिखाई देगी, हालांकि अधिकतर दुकानें अब खुलने लगी है। इसके अलावा दूसरी तरफ पहली जो सड़क है वो दिखाना चाहेंगे, ये रामगंज बाजार, संक्रमित इलाका, सर्वाधिक असर भी रामगंज इलाके में हुआ था। तो रामगंज इलाके का जो बाजार है वो सरकार द्वारा जो नई छूट दी गई उसमें खोल दिया गया है। काफी यहाँ पर देख सकते हैं वाहनों की तादाद दिखाई देगी, लोग भी दिखाई दे रहे हैं, दुकानों पर भी जो है ग्राहक भी दिखाई दे रहे हैं। तो रामगंज बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस कोरोना को हराने के लिए एक अहम हिस्सा है। तो उसके बिना इस कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। तो वो पुलिस द्वारा लगातार पालना भी करवाई जा रही है सरकार की गाइडलाइन की, तो कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग में अभी भी कमियां नजर आ रही है। इसको सुधारने के लिए पुलिस को भी प्रयास करने होंगे, साथ ही आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये बात की जाए तो सुभाष चौक की तरफ रास्ता जाता है जहाँ पर हवा महल इसी रोड पर स्थित है, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं वाहनों की आवाजाही काफी तादाद में, मार्केट पूरी तरीके से खुल चुका है। इसके अलावा त्रिपोलिया बाजार की बात की जाए तो त्रिपोलिया बाजार भी पूरी तरीके से खुल चुका है। ये त्रिपोलिया बाजार है, यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही देखे तो काफी तादाद में, इसके अलावा दुकानदारों ने जो दुकानें लगभग यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही है। आज दूसरा दिन है, दुकानदार भी जो है मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। कल पुलिस ने सख्ती दिखाई दी तो आज कुछ दुकानदार है उन्होंने भी जो है अब सोशल डिस्टेंसिंग हो या उसकी पालना कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की कमियां हैं, उसको और सुधारने की जरूरत है। लेकिन परकोटे की बात की जाए तो परकोटे के लिए एक बार दोबारा से जब मार्केट में जो रौनक लौट रही है धीरे धीरे, वैसे वैसे लोगों को भी आस जगी है कि दोबारा उनका व्यापार शुरू होगा। तो जो उनका व्यापार पिछले लंबे समय से बंद पड़ा था वो दोबारा पटरी पर लौट रहा है, तो रोजगार एक बार दोबारा से उनको मिल रहा है, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो कुछ ऐसी व्यापारी उम्मीद करें। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो भी उम्मीद करें कि दोबारा परकोटे की जो रंगत है वो लौटेगी और कोरोना जरूर हारेगा। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।